देखो लास्ट के चैप्टर्स में आपने मोशन के बारे में पढ़ा, मोशन इन 1D एंड 2D, ठीक है। किसी पार्टिकल का स्ट्रेट लाइन में या प्लेन में मोशन कैसे होता है, ठीक है। उसमें आपके आपने वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिफरेंट वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा जो कि मोशन से रिलेटेड, राइट। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की बात करेंगे, दैट इज फोर्स। अगर किसी पार्टिकल पर फोर्स लगाया जाए तो उस फोर्स का क्या इन्फ्लुएंस होगा, ठीक है। कितने टाइप के फोर्सेस होते हैं और फोर्स के इन्फ्लुएंस में पार्टिकल का मोशन कैसा होगा, वो हमें डिफाइन करना है। तो जो पीछे आपने पढ़ा, दैट इज काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स का मतलब होता है मोशन ऑफ अ पार्टिकल, पार्टिकल और मशीन और ऑब्जेक्ट, जिसका जो मोशन हो रहा है, मोशन को आप डिफाइन कर रहे हो, उसकी वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन, ठीक है। इन क्वांटिटीज को अगर आप डिफाइन करते हो तो दैट इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। और अब हम आएंगे डायनेमिक्स के पार्ट। डायनेमिक्स का मतलब ये है कि जो मोशन हो रहा है उसके पीछे कॉज क्या है, कौन से फोर्सेस इन्वॉल्व है, उन फोर्सेस का इफेक्ट किस तरह से आ रहा है, ठीक है। वो चीज हम पढ़ते हैं डायनेमिक्स में, ठीक है। तो उसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, राइट। देखो न्यूटन ने तीन लॉ दिए, लॉज ऑफ मोशन, जो कि किसी भी पार्टिकल पर लगने वाले फोर्स और उसके इफेक्ट को एक्सप्लेन करते हैं। यदि किसी पार्टिकल पर या सिस्टम ऑफ पार्टिकल पर फोर्स लगता है, ठीक है, तो उसका क्या इफेक्ट होगा, उसको एक्सप्लेन करते हैं ये तीनों लॉ। तो उससे हम मैकेनिक्स की बहुत सी प्रॉब्लम को एक्सप्लेन कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, राइट। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन समझने के लिए हमें पहले फोर्स को समझना होगा, राइट। तो शुरुआत कर रहा हूं मैं कंसेप्ट ऑफ फोर्स। व्हाट इज फोर्स? देखो अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है स्पेस में, ठीक है, तो उसके पास कुछ वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस है? स्पीड जो है वो मैग्नीट्यूड है, ठीक है। स्पीड बता रहा है कि ऑब्जेक्ट कितनी या पार्टिकल कितनी तेजी से चल रहा है, ठीक है। और वेलोसिटी जो है वो दो चीजें बताएगा, वो ये भी बताएगा कि ऑब्जेक्ट कितनी तेजी से चल रहा है और साथ में किस डायरेक्शन में चल रहा है। तो वेलोसिटी इंक्लूड्स बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन, ठीक है। तो अगर किसी पार्टिकल का मोशन होता है, ठीक है, तो उसके पास एक मोशन का कंटेंट होगा, दैट इज हाउ फास्ट इट इज मूविंग और किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, राइट। दोनों मिलके वेलोसिटी को एक्सप्लेन करेंगे, राइट। सो वेलोसिटी है किसी पार्टिकल की। अब अगर आप इसकी वेलोसिटी बदलना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, इमेजिन करो। अगर आप इसकी वेलोसिटी को बदलना चाहते हो, अभी वेलोसिटी छोड़ो, सिर्फ स्पीड की बात करो, अगर मैं इसकी स्पीड बढ़ाना चाहता हूं तो मुझे क्या करना चाहिए? हाउ आई कैन इंक्रीज द स्पीड ऑफ दिस पार्टिकल? दो चीजें हैं, या तो इस पार्टिकल को पीछे पीछे से पुश करो, पुशिंग द पार्टिकल फ्रॉम बिहाइंड सो दैट इट्स स्पीड वुड इंक्रीज, और आई कैन पुल द पार्टिकल, आगे से हम इसको पुल करें या पीछे से पुश करें तो इसकी स्पीड बढ़ सकती है। ऐसे अगर मुझे इसकी स्पीड को कम करना है तो क्या करना होगा? तो स्पीड को कम करने के लिए या तो आगे से मैं पुश करूं इसको या फिर पीछे से पुल करूं, तो उस केस में इसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो स्पीड चेंज होने का मतलब है वेलोसिटी का चेंज होना। अच्छा एक और चीज, अगर मैं इसकी डायरेक्शन चेंज करना चाहता हूं, अगर इसी डायरेक्शन में आपने पुश या पुल किया तो इसकी डायरेक्शन कभी चेंज नहीं हो सकती। डायरेक्शन चेंज करना है तो उस केस में आपको इसको पुश करेगा इस डायरेक्शन में, ऐसे पुश करते हो तो उस केस में ये मुड़ जाएगा, इसका जो पाथ है वो डिविएट हो जाएगा, ठीक है। या तो ऊपर से पुश करो या फिर इधर से पुल करो, ठीक है। तो एक बात हमको समझ में आ गई कि अगर आप पार्टिकल की वेलोसिटी बदलना चाहते हो सो यू विल हैव टू पुश द पार्टिकल और पुल द पार्टिकल सो दैट इट्स वेलोसिटी कैन बी चेंज। और इस पुश या पुल को ही हम क्या कहते हैं? फोर्स, कॉमन लैंग्वेज, राइट। तो फोर्स इज नथिंग बट पुश और पुल विच कैन चेंज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, या इसको और रिफाइंड लैंग्वेज में हम कहें तो फोर्स इज अ पुश और पुल विच कैन चेंज मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, ठीक है। तो जहां भी आप पार्टिकल के मोशन को बदलना चाहते हो, उसके मोमेंटम को, वेलोसिटी को बदलना चाहते हो, आपको उस पर फोर्स अप्लाई करना होगा। और फोर्स अप्लाई करने का मतलब है या तो आप उसको खींचना चाह
खींचना होगा उसको या उसको पुश करना होगा, धकाना होगा, ठीक है? तो लिख लो, फोर्स इज अ पुश और पुल, इट इज पुश और पुल विच इज रिक्वायर्ड टू चेंज, विच इज रिक्वायर्ड टू चेंज लीनियर मोमेंट ऑफ पार्टिकल, विच इज रिक्वायर्ड टू चेंज लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, ठीक है? कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम फोर्स। ये चौक अभी यहां पर रेस्ट पर है हवा में, इस चौक को मैं छोड़ देता हूं, नीचे गिर रहा है, क्या इसकी वेलोसिटी बदल रही है? इनिशियली रेस्ट पर है और अब इसके पास मोमेंटम है, तो डेफिनेटली इसकी वेलोसिटी बदली, वेलोसिटी बदली है मतलब कोई ना कोई फोर्स इस पर लग रहा होगा, ठीक है? क्या आप बताओगे इस चौक पर कौन सा फोर्स लग रहा है? फ्री फॉलिंग चौक पर कौन सा फोर्स लग रहा है? इट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। हम जानते हैं कि जो अर्थ है वो अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, दैट मीन्स हम कहेंगे अर्थ इज पुलिंग दिस चौक टूवर्ड्स इट, अर्थ जो है वो चौक को पुल कर रही है। जब आप पुल करोगे, पुल करने का मतलब है फोर्स, फोर्स का मतलब है इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाए, ठीक है? और भी कई एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर हम बात करें हॉर्स कार्ट की, जिसको तांगा कहा जाता है, ठीक है? हॉर्स जो है वो कार्ट को खींचता है अपने, तो जो कार्ट है उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, तो कार्ट आगे की तरफ मोशन करता है, उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, तो उस पर कौन सा फोर्स लग रहा है? हम कह सकते हैं कि जो हॉर्स है दैट इज पुलिंग द थ्रेड और पुलिंग द रोप, तो उनके बीच की जो रोप है हॉर्स उसको पुल करता है, और रोप को जब वो पुल करेगा तो रोप इन टर्न कार्ट को पुल करेगी, सो इट इज पुलिंग फोर्स बाय द रोप विच इज मेकिंग द कार्ट मूविंग, ठीक है? तो सीधी सी बात है, हमारे आसपास जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, पार्टिकल्स हैं, जिनका मोशन हो रहा है, जिनका मोमेंटम चेंज हो रहा है, वहां पर कुछ फोर्सेस इन्वॉल्व होंगे, राइट? तो अब हम बात करते हैं कॉमन फोर्सेस की। हमारे आसपास डे टू डे लाइफ में, नॉर्मल मैकेनिक्स की प्रॉब्लम में जो फोर्सेस इन्वॉल्व हैं, ठीक है, एक एक करके हम उनका डिस्कशन करेंगे, राइट? सबसे कॉमन फोर्स जो है दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है? व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? आगे जाके हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन में कि कोई भी दो मास के बीच में या दो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है? तो हमारे आसपास जो सबसे हेवी ऑब्जेक्ट है दैट इज अर्थ, तो अर्थ अपने आसपास के हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, पुल करती है, ठीक है? सो दैट इज वेरी कॉमन ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ऑब्जेक्ट है अर्थ के आसपास, ये इसको अपनी तरफ खींचेगी टूवर्ड सेंटर। यहां अगर कोई ऑब्जेक्ट है इस पर भी फोर्स लगेगा टूवर्ड सेंटर। अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, इस पर भी फोर्स लगेगा टूवर्ड सेंटर, ठीक है? सो दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अर्थ अपने आसपास के सराउंडिंग में हर ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाती है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट? अब इस ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, हमने देख ली, दैट इज टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। बट अगर हम नॉर्मल केस में देखें, फॉर एग्जांपल अभी मैं अगर अर्थ को देखता हूं, मेरे अपने आसपास की अर्थ, तो कोई स्फीयर के फॉर्म में नहीं दिख रहा है मुझे, तो फ्लैट ग्राउंड दिख रहा है, ठीक है? तो नॉर्मल सिचुएशन में अगर हम देखें तो ये है ग्राउंड, ये है ऑब्जेक्ट, इस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? टुवर्ड्स ग्राउंड। जो फोर्स लग रहा है वो ग्राउंड की तरफ, मतलब नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है? इसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे।
और ग्रेविटेशनल फोर्स को ही हम कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और जो वेट है इसकी वैल्यू क्या होती है समझना। अगर ऑब्जेक्ट का मास एम है, ठीक है, इन दैट केस वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज एम जी। जी आपने पढ़ा है, दैट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दैट मींस अगर इस पार्टिकल को मैं छोड़ दूं तो जिस एक्सीलरेशन से अर्थ की तरफ बढ़ रहा है दैट एक्सीलरेशन इज जी, राइट। तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज एम जी। तो ये एक कॉमन फोर्स है जो कि अर्थ के आसपास किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगता है, ठीक है। फोर्स अप्लाइड बाय डिफॉर्म्ड स्प्रिंग, अगर आप किसी स्प्रिंग को डिफॉर्म कर दो, डिफॉर्म करने का मतलब या तो आप स्प्रिंग को खींच दो या फिर कंप्रेस कर दो, तो उस केस में जो स्प्रिंग है वो अपने आसपास के ऑब्जेक्ट जिससे वो जुड़ा है उन पे फोर्स लगाएगा, ठीक है। उस फोर्स की बात करते हैं, समझना है स्प्रिंग की प्रॉपर्टी। सबसे पहली बात, जो स्प्रिंग है उसकी एक नेचुरल लेंथ होती है, ठीक है। कैसे पहचानोगे नेचुरल लेंथ को? अगर स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पर है तो वो कोई फोर्स नहीं लगाएगा, ठीक है। स्प्रिंग तभी फोर्स लगाता है जब आप उसकी लेंथ को बढ़ा देते हो, मीन्स स्ट्रेच करते हो, या फिर कम करते हो, दैट इज कंप्रेस करते हो, ठीक है। तो अगर नेचुरल लेंथ पर है तो वो कोई फोर्स नहीं लगाएगा, ठीक, समझना। जब आप इसको स्ट्रेच करोगे तो ये फोर्स लगाएगा, ठीक है, समझना। ये इसकी नेचुरल लेंथ थी एल। अब आपने इसकी लेंथ बढ़ा दी, इसको खींच दिया आगे की तरफ। मान लो आपने खींच के किसी ब्लॉक के साथ इसको अटैच किया हुआ, ठीक है, समझना ध्यान से। इसकी ओरिजिनल लेंथ थी एल, आपने एक एंड पर इसको दीवार से कनेक्ट कर दिया और दूसरे एंड पर किसी ब्लॉक से कनेक्ट किया है, राइट। लेंथ एक्स से बढ़ाई है, ठीक है। तो इस केस में स्प्रिंग जो है फोर्स लगाएगा, दैट फोर्स इज इक्वल टू के एक्स, वेर के इज नोन एज स्प्रिंग कॉन्स्टेंट। हर एक स्प्रिंग का एक कॉन्स्टेंट होता है जो कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक को शो करता है। अगर स्प्रिंग कॉन्स्टेंट ज्यादा है मतलब थोड़ा सा पुल करने पर स्प्रिंग बहुत ज्यादा फोर्स लगाए, और स्प्रिंग कॉन्स्टेंट कम है उसका मतलब ज्यादा भी खींच दो उसको तब भी उसका फोर्स जो है वो एप्रिशिएबल नहीं है, राइट। तो के उसका कैरेक्टरिस्टिक है, उसकी प्रॉपर्टी को शो करता है। स्प्रिंग कांस्टेंट, इसकी यूनिट क्या होगी? ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर, ठीक है ना। तो जब आप उसको पुल करोगे तो ये फोर्स लगाएगा स्प्रिंग, और फोर्स किधर लगाएगा ये भी समझ लो। फोर्स अप्लाइड बाय स्प्रिंग ऑन द वॉल एंड ऑन द ब्लॉक, दोनों पे फोर्स लगाएगा। किस डायरेक्शन में बता सकते हो? स्प्रिंग को जब आप खींचोगे तो स्प्रिंग अपनी नॉर्मल लेंथ पर आना चाहेगा, और नॉर्मल लेंथ पर आने के लिए क्या करेगा? वो दोनों एंड को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। तो अगर आप स्प्रिंग को खींचते हो, पुल करते हो, तो उस केस में वो फोर्स किधर लगाएगा? टुवर्ड्स इट, अंदर की तरफ फोर्स लगाएगा, पुल करेगा दोनों तरफ। इसको भी अपनी तरफ पुल करेगा, एफ फोर्स है, और इधर भी पुल करेगा एफ फोर्स, एंड दैट एफ फोर्स इज इक्वल टू के एक्स। एक्स क्या है? उसका एक्सटेंशन, जिससे आपने उसकी लेंथ को बढ़ाया, राइट। इसके अपोजिट
अगर आप स्प्रिंग को कंप्रेस कर देते हो, ठीक है, अब यदि आप स्प्रिंग को कंप्रेस करते हो, देखो ये उसकी नेचुरल लेंथ एल, ठीक है, वहां से आपने उसको कंप्रेस कर दिया, कंप्रेशन इज एक्स, जिस तरह से एक्सटेंशन एक्स है वैसे कंप्रेशन भी मैंने एक्स लिया, अब उसको दबा दिया, तो अब स्प्रिंग किधर फोर्स लगाएगा? याद रखना स्प्रिंग हमेशा अपनी नॉर्मल लेंथ पर जाना चाहेगा, जब आपने उसको खींचा था तो वो अंदर की तरफ खींच के वापस नॉर्मल लेंथ पर आने की कोशिश कर रहा है, तो फोर्स अंदर लगा रहा है स्प्रिंग, और जब आपने इसको कंप्रेस किया दबा दिया तो स्प्रिंग बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा सो दैट वो वापस अपनी ओरिजिनल लेंथ पर जा सके। तो कंप्रेशन के केस में ब्लॉक पर फोर्स इधर लगेगा, राइट, और दीवार पर स्प्रिंग किधर फोर्स लगाएगी? इस तरह, ठीक है, और फोर्स कितना होगा? के एक्स। दैट मीन्स आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करो या फिर कंप्रेस करो, दोनों ही केस में वो के एक्स फोर्स लगाता है, बट उसकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट, ठीक है। एक डिफॉर्म्ड स्प्रिंग जो है वो जिससे भी जुड़ा है उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएगा। अब देखो एक दो एग्जांपल देता हूं मैं, आप मुझे बताना स्प्रिंग ऑब्जेक्ट पर या जिससे वो जुड़ा है उस पर किधर फोर्स लगाएगा, ठीक है। एक स्प्रिंग है, उसकी मदद से हमने एक ब्लॉक को, हैवी ब्लॉक को इस तरह से लटका दिया, ठीक है। अब आप बताओ स्प्रिंग छत पर और इस ब्लॉक पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, किस डायरेक्शन में फोर्स लगाई गई? अब ये बताओ स्प्रिंग अभी इस वक्त खींचा हुआ है या कंप्रेस्ड है? डेफिनेटली बिकॉज ऑफ इट्स वेट, ये हैवी है तो स्प्रिंग को नीचे खींच देगा, तो स्प्रिंग की लेंथ अपनी ओरिजिनल लेंथ से ज्यादा है, लेंथ बढ़ गई मतलब स्ट्रेच हो गया, और जो स्ट्रेच्ड स्प्रिंग होता है वो किस तरफ खींचता है, किस तरफ फोर्स लगाता है? वो ब्लॉक को अपनी तरफ खींचेगा तो ब्लॉक पर फोर्स लगेगा ऊपर, और रूफ पर भी फोर्स किधर लगाएगा स्प्रिंग? नीचे की तरफ, तो ये दोनों को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। इसके अपोजिट एक और एग्जांपल लेते हैं, इस ब्लॉक को मैंने स्प्रिंग के साथ जोड़ दिया, स्प्रिंग यहां से सपोर्ट से जुड़ा है और इसको एक इंक्लाइंड प्लेन पर रख दिया, स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। अब बताओ स्प्रिंग ब्लॉक पर और इस सपोर्ट पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा? तो स्प्रिंग अभी कंप्रेस्ड है या स्ट्रेस्ड है इसका पता लगाओ, तो बिकॉज ऑफ इट्स वेट ये नीचे की तरफ स्लाइड करना चाहेगा, तो ये स्लाइड करेगा तो स्प्रिंग को कंप्रेस कर दे, स्प्रिंग कंप्रेस्ड स्टेट में है और कंप्रेस्ड स्प्रिंग बाहर की तरफ फोर्स लगाता है, इसको इस तरफ ढकेलेगा मतलब पुश करेगा बाहर की तरफ, और इस सपोर्ट को भी इस तरफ, ठीक है। तो इस तरह से मैकेनिक्स की प्रॉब्लम में आपको आइडेंटिफाई करना है कि वहां अगर स्प्रिंग है तो स्प्रिंग किस तरफ फोर्स लगाएगा और कितना लगाएगा, ठीक है ना। देखो अभी हम बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्स की बात करेंगे, ठीक है, इसका बहुत रोल है मैकेनिक्स में, टेंशन इन द थ्रेड एंड नॉर्मल फोर्स और कॉन्टेक्ट फोर्स, ठीक है, टेंशन और नॉर्मल, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स है और इनमें अक्सर हमें कंफ्यूजन होता है इनकी डायरेक्शन को लेकर कि डायरेक्शन किधर होगा, तो उसको समझने के लिए इनसे भी एक फंडामेंटल फोर्स की हम बात करेंगे, दैट इज इंटर एटॉमिक फोर्स। दो एटम के बीच में लगने वाले फोर्स की बात करेंगे, ठीक, समझना।
हमारे आसपास जो भी मटेरियल है, ठीक है, वो सभी एटम्स और मॉलिक्यूल से ही बना है। तो एटम्स एक दूसरे के पास रखे हुए हैं किसी पर्टिकुलर अरेंजमेंट में, ठीक है, और वो एटम्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। वो फोर्स कैसा होता है उसके बारे में हम बात करेंगे, राइट। तो ये दो एटम है, इनके बीच की सेपरेशन इस समय आर नॉट है, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम सेपरेशन। ठीक है, और जब आप एटम्स को इक्विलिब्रियम सेपरेशन पर रखोगे तो उस केस में दोनों एक दूसरे पर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे, मतलब फोर्स कितना होगा, जीरो। देखो, दो तरह के फोर्स होते हैं, एटम एक दूसरे पर दो तरह के फोर्स लगाते हैं, एक है अट्रैक्टिव फोर्स और एक रिपल्सिव फोर्स। दोनों ही फोर्स लगते हैं एटम के बीच, अट्रैक्टिव भी और रिपल्सिव भी। जब वो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पर होते हैं तब अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स बैलेंस हो जाते हैं, इसलिए नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो। ठीक है, अब क्या करें, अगर हम उनकी सेपरेशन को बढ़ा दे, दैट इज उनकी सेपरेशन आर नॉट से ज्यादा कर दें, ठीक है, तो जब भी वो इक्विलिब्रियम सेपरेशन से दूर चले जाते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट हो जाता है, तो अभी भी अट्रैक्शन भी लगेगा और रिपल्शन भी लगेगा दोनों पे, बट डोमिनेंट फोर्स कौन सा होगा, अट्रैक्शन। इसका मतलब ये हुआ, ये इस एटम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो दोनों पर एक दूसरे के कारण फोर्स लगेगा, दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अगर एटम्स को इक्विलिब्रियम सेपरेशन से दूर ले जाओगे तो वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे, ऐसे ही अगर उनको पास ले आते हो इक्विलिब्रियम सेपरेशन से पास ले आते हो तो अभी भी दोनों फोर्स लगेंगे, अट्रैक्शन और रिपल्शन, बट पास में आने पर रिपल्शन फोर्स डोमिनेट करता है, ठीक है, तो अब वो रिपेल करेंगे एक दूसरे को, तो ये एटम इस पर रिपल्शन का फोर्स लगाएगा इधर, और ये एटम इस पर रिपल्शन का फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन। ठीक है, मतलब क्या हुआ, जब वो इक्विलिब्रियम सेपरेशन पर थे तो कोई फोर्स नहीं, दूर जाएंगे तो अट्रैक्शन, पास आएंगे तो रिपल्शन। ठीक है, अब समझना, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा स्प्रिंग के बारे में, क्या दो एटम के बीच में लगने वाला फोर्स स्प्रिंग की फोर्स की तरह बिहेव नहीं कर रहा है। इमेजिन करो, इनके बीच में एक स्प्रिंग है, ये नॉर्मल लेंथ पर है स्प्रिंग। अब आप इनको दूर ले गए, मतलब आपने स्प्रिंग को क्या किया, स्ट्रेच कर दिया। जब भी आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करोगे, स्प्रिंग दोनों एंड को अपनी तरफ खींचेगा, और यहां पर आपने क्या किया, स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया। कंप्रेस किया तो स्प्रिंग दोनों एंड को दूर ढकेलेगा, पुश करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि दो एटम्स के बीच में लगने वाला जो फोर्स है, इंटर एटॉमिक फोर्स, दैट वर्क्स लाइक स्प्रिंग। इंटर एटॉमिक फोर्स बिहेव्स लाइक स्प्रिंग की तरह, जो ये स्प्रिंग का फोर्स है बिल्कुल वैसे ही होता है दो एटम के बीच में लगने वाला फोर्स। ठीक, अब आगे जब मैं टेंशन और नॉर्मल फोर्स की बात करूंगा तो ये जो कंसेप्ट है, ठीक है, इसका यूज करेंगे तो आप बहुत अच्छे से विजुलाइज कर सकते हो उन फोर्सेस को।